आज हमारा टॉपिक है विश्मयादिबोधक शब्द। विश्मयादिबोधक शब्द क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, कौन कौन से होते हैं ये शब्द, ठीक है। तो जो शब्द वक्ता या लेखक, वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, लेखक लिखने वाला, ठीक है। तो जो भी बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, जो भी अपने इन भावों को व्यक्त करता है, भाव कौन कौन से, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी का भाव होता है, शोक मतलब दुख का भाव होता है, नफरत घृणा का भाव होता है, विस्मय हैरानी का भाव होता है, ग्लानि भी दुख का भाव होता है। जो शब्द इन भावों को प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग सदैव वाक्य के आरंभ में ही होता है। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे भी हम वाक्य शुरू करते हैं, शुरुआत में ही हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है ना, वाह कितना सुंदर फूल है, ठीक है। क्योंकि इनका संबंध वाक्य से नहीं होता है, बल्कि उन शब्दों से होता है जो किसी के मनोभाव, मनोभाव अर्थात मन के भावों को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। जो ये शब्द होते हैं, इनका संबंध वाक्य से नहीं होता है, इनका संबंध बस किसी भाव को प्रकट करने के लिए होता है, ठीक है। कई बार सर्वनाम शब्द जो होते हैं, विशेषण जो होते हैं, क्रिया होती हैं, इनका इस्तेमाल भी हम विस्मयादिबोधक शब्दों के रूप में कर लेते हैं। जैसे क्या, क्या यहाँ पे, अरे बा, अरे आप यहाँ पर जैसे सर्वनाम शब्द हो गया है, क्या यहाँ पर भी सर्वनाम शब्द हो गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गया है, अच्छा, यहाँ पर विशेषण शब्द हो गया है, अति सुंदर भी विशेषण शब्द हो गया है, चुप यहाँ पर क्रिया शब्द हो गया है ना, हट यहाँ पर क्रिया शब्द हो गया। इन शब्दों को भी हम जो है विस्मय आदि बोधक के शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आते हैं विस्मय आदि बोधक शब्दों के भेद। विस्मय आदि बोधक शब्दों के कितने भेद होते हैं, इसके 8 भेद होते हैं, जैसे नीचे दिए गए हैं। हर्ष बोधक में हम क्या क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं हर्ष बोधक के लिए, जैसे आहा, धन्य, वाह वाह, शाबाश, वाह खूब, और एक यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, वाह यह तो बहुत अच्छी खबर है ना, यहाँ पर खुशी का भाव झलक रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है, वाह। शोक बोधक के शब्द दिए हैं, कौन कौन से हम शोक बोधक में प्रयोग करते हैं, आह, हाय, हा, त्राही त्राही, बापरे, इन शब्दों का प्रयोग हम दुखी दुख प्रकट करने के लिए करते हैं, जैसे हाय मेरे पैर में चोट लग गई है, ओके। उसके बाद विस्मय, विस्मय का मतलब हैरान करने वाले जो होते हैं, जैसे है नहीं लिखेंगे, है बिंदु भी आएगी वहां पर, है जैसे कोई बात होती है ना, हम बोलते हैं ऐसा है ना, बोलते हैं ना, तो ओहो, ये शब्द, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, ए क्या बात कर रहा है, कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, है ना, तो मतलब हैरानी से वो पूछ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, मतलब हैरान है वो इस बात से। तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब किसी को जैसे चुप कराते हैं हम, है ना, हट, घृणा, घृणा का बोध जैसे आता है उसमें हम तिरस्कार बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे छी, हट, धिक, चुप, है ना, जैसे छी इस स्थान पर कितनी गंदगी है। स्वीकृति, स्वीकृति का मतलब जैसे हम किसी बात को स्वीकार करते हैं, और उस स्वीकार बात को स्वीकारने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हाँ हाँ अच्छा ठीक जी हाँ, जैसे ठीक है तुम चले जाना, तुम वहां चले जाना, ओके। उसके बाद संबोधन बोधक, संबंध बताने के लिए, जैसे अरे ओ सुनो, मतलब जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना अरे सुनो, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, सुनो, खाली सुनो भी बोलते हैं, ओ ऐसे करके हम बोलते हैं जो अपने बराबर के होते हैं, अरे जरा गाड़ी आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर दो, ठीक है। तो मतलब जैसे हम किसी संबोधन बोधक क्या होते हैं, जैसे हम किसी संबंध नाम से पुकारते हैं, मतलब उनको हम क्या कहते हैं, संबोधन बोधक। आशीर्वाद, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीव हो, रहो, जीते रहो, अब की बार तो तुम हमारे घर बहुत दिनों बाद आए हो। चेतावनी, किसी को जैसे सावधानी, होशियारी, बचो, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे
सावधान आगे खाई है, या यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सावधान गाड़ी तेज चलाने से दुर्घटना हो सकती है, हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, कतोवयम हर्ष बोधक आहा, शोक बोधक अहा हाय, विस्मय बोधक है, सम्मोधन बोधक अजी। तो ये यहाँ अजी पर, ठीक है, ये हमने शब्दों को विस्मय आदि बोधक शब्दों से मिला दिया है। नीचे देखिए, नीचे क्या है फिर? रोहन, रवि और समायरा के बीच जंक फूड के बारे में चर्चा हो रही है, मतलब उन्होंने यहाँ पर दो से तीन, यहाँ पर जो है वाक्य लिखे हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, कम से कम तीन विस्मय आदि बोधक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके बीच होने वाले संवादों को आगे बढ़ाकर लिखिए। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है हमें, इनको जो है बढ़ाकर लिखना है। ओके मैम। अब हम इसमें आते हैं अभ्यास काल, इसमें कुछ एक्सरसाइज दिया गया, अभ्यास दिया गया है, अभ्यास कार्य है। यहाँ पर दिए गए तथ्यों के आगे सही या गलत का चिन्ह लिखिए, जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत और जो सही है उसके आगे सही। तो यहाँ पर वाक्य दिया है, इंटरनेट की शुरुआत 1980 में हुई, ये गलत है। ठीक है, इसे मराठी में अंतरजाल कहते हैं, मराठी में नहीं कहते हैं इसको, हिंदी में अंतरजाल कहते हैं, तो ये भी क्या है बिल्कुल हमारा गलत। सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग न करके हम सतर्कता बरत सकते हैं, यस। साइबर क्राइम एक ही तरह का होता है, नहीं, कई तरह का होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर बुलिंग साइबर क्राइम का एक तरीका है, यस, ये भी साइबर क्राइम का एक तरीका है बुलिंग, तो यहाँ पर सही आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दिया है, इंटरनेट किस प्रकार से हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, तो हम इसके बारे में 5 से 6 पंक्तियां लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, अब नीचे आइए, इसमें क्या दिया, दिए गए वाक्यों में सही विषम आदि बोधक शब्दों को भरकर जो है वाक्य पूरा करना है। जैसे सावधान, यहाँ पर सावधान मतलब चेतावनी दे रहे हैं, सावधान, पीछे से ट्रक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे मैम, दुपट्टे पर कितनी कॉपी सुंदर मतलब चित्रकारी की गई है, तो यहाँ पर मतलब खुशी का भाव है, तो वाह, आज कितनी वाह ठंड मैम, है, उफ, है ना, तुमने अकेले ही रास्ते से पत्थर हटा दिया, अरे यहाँ पर शाबाश, तुमने इस कार्य को करने में बहुत बुद्धिमानी दिखाई, ओह तुम्हें, तो तुम्हें यह चोट कैसे लगी। ठीक है, तो आप इनमें विस्मय आदि बोधक शब्दों को भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें उसमें दिया गया है, दी गई विभिन्न परिस्थितियों में आपके मन में कैसे भाव आएंगे, उनके अनुसार विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है, हाथ में गंदगी लग जाने पर हमारे मन में क्या भाव आएगा, छी अब इसे कैसे साफ करूं, तो यहाँ पर कौन सा जो है विस्मय आदि बोधक हुआ, तिरस्कार का। ठीक है, तो ऐसे ही दौड़ प्रतियोगिता में जीत जाने पर, है ना, आहा आज हम वाह मैं पार्टी दौड़ करेंगे, प्रतियोगिता तो में यहाँ जीत। पर कौन सा हुआ, कौन सा भाव हुआ, ये हर्षबोधक, हर्षबोधक, यस, कौन सा हुआ, हर्षबोधक, हर्ष बोधक, हर्षबोधक, हर्ष बोधक, वेरी गुड, हर्ष बोधक। ठीक है, फिर नीचे दिया गया है, किसी को अच्छा कार्य करते हुए देखकर, शाबाश तुमने कितना अच्छा काम किया, तो यहां पर भी ये कौन सा हुआ, हर्षबोधक, हर्षबोधक, हर्ष बोधक, हर्षबोधक, यहां पर भी आप लिखोगे हर्ष बोधक। उसके बाद किसी को रोते हुए देखकर, ओह वह कितना दुखी है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, शोक शोकबोधक, बोधक, वेरी गुड, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, शोक बोधक। ठीक है, उसके बाद किसी को गड्ढे में गिरने से रोकने के लिए, सावधान आगे गड्ढा है, यहाँ पर आएगा चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। चेतावनी बोधक। तो ये था आपका, तो सभी बच्चे इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है,